हेलो 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 एवरीवन, आगे सब लोग। आई होप सब आ चुके हैं लाइव। ठीक है, तो सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग अब चलो एकदम सही है, हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, कम फास्ट हमारे आ गए हो। ठीक है, पहले कुछ अपडेट दे दो आपके बैचेस के बारे में, ताकि आप सब लोग जान जाओ बैचेस कौन से हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 90 क्वेश्चन से, जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि 11 बजे फिर क्लास है और फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे हम लोग आज। ये आप देख पा रहे हो, आपके पास नीट 2021 के लिए रिवीजन बैच है, जो आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और एंथुस बैच 14 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है 22 वालों के लिए। इवॉल्व बैच 22 वालों के लिए स्टार्ट हो चुका है, 17 स्टार्ट होगा 17 अप्रैल से। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स का 21 वालों के 17,500, और 22 वालों के लिए, और ये आपका ऑफर चल रहा है बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन टुडे गेट सब्सक्रिप्शन टिल नीट 2022। ठीक है, 3 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है फ्री ऑन परचेस ऑफ 12 मंथ्स। अनअकैडमी कॉम्बैट संडे को होता है, कोड अथर्व लाइव ATHERVALIVE। ये आपका प्री टेस्ट सीरीज शेड्यूल है, और हम लोग सीधा आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सब लोग रेडी है क्वेश्चंस के लिए? रेडी है, चलो मैक्सिमम लोग सही है, रेडी भी है, देखते हैं। सब लोग कमेंट करना, सब लोग आंसर्स को कमेंट करना। ठीक है, सब लोग आंसर्स को कमेंट करना, देखते कितने लोग सही कर पाते हैं। अब फास्ट जाएंगे, ठीक है, एकदम फास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस को लेके, एकदम फास्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? चलो, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने तो मैंगो का नाम दिया था फर्स्ट टाइम, वो क्या था जल्दी बताओ। मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा इंडिका कार डॉट लिन डॉट, मैंजिफेरा इंडिका लिन, मैंजिफेरा इंडिका, आंसर बताओ। एकदम सही, मैक्सिमम लोग सही है, वेरी गुड, सबको पता है आंसर। अपना स्कोर सब लोग ऐड करते जाओ, एक पेपर पे लिख लो, पेपर पे लिख लो मॉक टेस्ट नंबर जो भी है। ठीक है, बायोलॉजी ओपन मॉक टेस्ट, ठीक है, बायोलॉजी ओपन मॉक टेस्ट स्कोर लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपका सही है गलत है, क्या आपने आंसर मार्क किया और क्या आंसर है, क्योंकि पेपर आपको मिलने वाला है, पेपर आपको मिलने वाला है, तो आंसर मार्क करते चलिए, पेपर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा पेपर, चलो आंसर आ गया इसका। मैंजिफेरा इंडिका डॉट, मैंजिफेरा इंडिका लिन डॉट, लिन डॉट मतलब लिनियस ने इसको डिस्कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ठीक है, ICBN के रूल्स के अगेंस्ट है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, मतलब इटैलिक्स में होना चाहिए। ठीक है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, क्या इसमें आंसर होगा, आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, कमेंट करो। अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द रूल, डी डी डी, जल्दी कमेंट करो। सेकंड का डी, सेकंड का डी, सेकंड का डी, मैक्सिमम लोग सही कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग सही कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अनिशा, पूजा, शेरलॉक होम्स, अर्पित, आंसर आ जाएगा आपका जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, आपका दोनों स्मॉल से स्टार्ट नहीं होते, जेनरिक आपका स्टार्ट होता है कैपिटल से, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होता है आपका स्मॉल से। जेनरिक स्टार्ट होता है कैपिटल से, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल होता है, स्टार्ट होता है आपका स्मॉल से। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपका कुछ जनरल रूल्स है, गाइड करता है, कौन सा रूल उसके कॉन्ट्ररी है, मतलब अगेंस्ट है, जल्दी बताओ। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकंड इन अ स्पेसिफिक एपिथेट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो मैक्सिमम लोग, श्रेया, हिमांशी, स्मृति, वैष्णवी, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। अनिशा, आंसर होगा बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये आपका गलत है, हम लोग बायोलॉजिकल नेम सिर्फ और सिर्फ किसमें लिखते हैं, डिराइव करते हैं हम लैटिन लैंग्वेज से, डिराइव करते हैं हम लोग लैटिन लैंग्वेज से इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच किंगडम यू वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, इन द फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। हम आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आर्की बैक्टीरिया किस में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया किस में आते हैं,
जो लोग बी कमेंट कर रहे हैं, समीक्षा एक बार देख लो, आर्किबैक्टेरिया किस में आता है। तेरे इतने हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है, हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है, ठीक है। हम जो है हमारी इतनी प्रैक्टिस तो नीट के लिए हो चुकी है कि इतने क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग 2 महीने से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका मोनेरा, किंगडम मोनेरा इन 5 किंगडम सिस्टम। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, मेन बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है कि सब में अलग अलग आपको मिलेगा। एकदम सही स्मृति, ब्री बी, इसका आंसर बी होगा। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे बड़ा बेसिस होता है। आप खुद देखो बैक्टीरिया में सारे मोड्स होते हैं, मतलब मोनेरा के सारे मोड्स होते हैं। आपके प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक भी होता है, कभी कभी हेटरोट्रॉफिक भी होता है। आपके फंगाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रॉफिक होता है। प्लांट्स में आपका ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना एनिमल्स में आपका हेटरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो सब में अलग अलग आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस होता है क्लासिफिकेशन के लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन अल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया। जल्दी बताओ, अभी क्वेश्चन किया था, क्या आंसर होगा इसका। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, जो लाइव है सेशन को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे और सेशंस आने वाले हैं। चलो वेरी गुड, मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं, आंसर इसका आएगा मोनेरा। जो लोग अनअकैडमी फॉलो नहीं करते, अनअकैडमी में फॉलो कर लेना। आप चाहिए फ्री कोर्स ना, आपको टाइप करना होगा अथर्व अग्रवाल। फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज वन विच इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पे बेस होती है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पे बेस होती है। कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट पे बेस होती है। फाइलोजेनी मतलब वही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी माने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी मतलब ये होता है हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय लीनियस, जो लीनियस ने यूज की थी वो कौन सी सिस्टम थी, यही पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन। जो लीनियस ने यूज किया था वो सिस्टम का नाम क्या था, वेरी गुड आंसर आपका है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम और सेम फर्स्ट यूज पे वापस से वही क्वेश्चन आ गया। जल्दी बताओ खुद के आंसर्स मार्क कर दो, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। एकदम सही, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय कैरोलस लीनियस। आगे बढ़ते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये बताना है आपको। मनीष कह रहे यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है, हम ट्राई करेंगे यहाँ पे, हम कम से कम एमसीक्यू ना ले, यहाँ पे कोई और सेशन हम लोग रखा करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू सेशन जो है हम लोग अनअकैडमी पे ही रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी बताओ, राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, मोलस्क्स आर असिलोमेट्स, इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट्स, क्या आंसर होगा यार इसका, जल्दी बताओ। एकदम सही, राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स या फिर एस्केरिमेंट्स आर स्यूडोसिलोमेट, आपका सही स्टेटमेंट है। मोलस्क सिलोमेट होते हैं, इंसेक्ट सिलोमेट होते हैं, प्लैटेलमेंथिस असिलोमेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बायोलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायोलेटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जल्दी बताओ। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही मिट जाएंगे। 10th का आया था हिमांशु, वेरी गुड। 11th का क्या होगा, इलेवेंथ का आपका होगा ए, एस्केलमेंट थ्रोंडोम स्ट्रिप्टोलॉजिक होता है, बायोलेटरल सिमेट्रिकल होता है और इनका जो सीलम होता है वो होता है स्यूडो सिलोमेट्स। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मोलस्का का, कॉर्डेटा का, प्लैटेलमेंथिस का, आर्थ्रोपोडा का, इकोनोट्रमेटा, एनलिडा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, बहुत बड़ा डिस्कस किया, 3 एग्जाम्पल होते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन के, 3 एग्जाम्पल होते हैं, वो 3 एग्जाम्पल क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के 3 एग्जाम्पल होते हैं, वो 3 एग्जाम्पल है हमारे पास एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और आपका कॉर्डेटा।
न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड होते हैं न्यूमेटोफोर्स? द वेजिटेटिव वेजिटेशन इन विच फाउंड इन मार्शियन सदर्न एरियाज, एसिडिक सॉइल, जेरोफाइट्स, एपिफाइट्स, ये भी दिया हुआ है। मतलब 90 क्वेश्चन, ठीक है, आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का वैसे ही जल्दी खत्म करो, ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं स्पीड से। क्या इसका आंसर होगा? वेरी गुड, जो मार्शियन में मिलते हैं और आपके सलाइन लेक के अंदर मिलते हैं, वेरी गुड। द प्लांट विच बियर्स क्लिंजिंग रूट्स, थोड़ा सा आपका आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, जल्दी देखिए आंसर बताओ। क्लिंजिंग रूट्स किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्लिंजिंग रूट, ये मैजर फॉलोमेबल क्वेश्चन आया था तो आपको याद होना चाहिए, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकिन सोच लो, थोड़ा सोचो आंसर मिल जाएगा। डी एकदम सही, एकदम सही, इसका आंसर है ऑर्चिड, ऑर्चिड में आपका क्लिंजिंग रूट्स मिल पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, वेलेमन इज फाउंड इन, वेलेमन किसमें मिलते हैं? देखो ये मैंने क्यों डाले हैं मॉर्फोलॉजी से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डाले, नीट में नहीं आएगा, फिर भी आप अपने सेफर साइड के जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको रट लेना, ठीक है, अपने सेफर साइड के लिए जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको रट लेना, ठीक है, अगर आपको 360 चाहिए तो। एरियल रूट्स ऑफ ऑर्चिड्स, आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ ट्री ट्रंक, इंक्रीजिंग ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? इंटरकिलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, फेलोजेन या फिर एपिकल मेरिस्टम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 16 का आंसर क्या होगा? चलो वेरी गुड, लैटरल मेरिस्टम माने सेकेंडरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम माने सेकेंडरी मेरिस्टम आपका होगा, कौन सा? लैटरल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम का नाम होता है जो आपका ट्री का गिर्थ या फिर डायमीटर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते, जिम्नोस्पर्म्स आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैग, जिम्नोस्पर्म्स क्या लैग करते तभी उन्हें हम सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। कैम्बियम लैग करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स लैग करते हैं, थिक वॉल ट्रैकिस्ट लैग करते हैं, जाइलम फाइबर्स लैग करते हैं, जल्दी बताओ। बहुत ईजी है, आपको पता है ट्रैकिड्स होते होते, देखो हम लोग इसे सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्या नहीं होते, क्योंकि इनमें इसका आंसर जाइलम क्या है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा? क्या होगा आंसर? फ्लोएम फाइबर्स होते हैं यार, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है, लेकिन थिक वॉल्ड आपके ट्रैकेट्स नहीं होंगे, ठीक है, थिक वॉल्ड नहीं होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, आरुषि डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किससे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, जल्दी बताओ, फ्लोएम में होते हैं तो किससे, जल्दी बताओ, कंपेनियन सेल्स की बात कर रहे हैं, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सीव एलिमेंट, सीव एलिमेंट से कंपेनियन सेल जो है आपके एकदम क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टाइट जंक्शन, सीमेंटिंग, नेबरिंग, आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्लियर कट विजिबल नहीं है, एक लाइन में आ गया इसलिए, ठीक है, एक लाइन में आ गया इसलिए दिक्कत है, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आएगा, सामने वन आएगा, बी आएगा, ये टू आएगा, इस तरह से होगा, ठीक है, सी आएगा, सामने थ्री होगा, क्लियर, लेकिन आपके क्लियर कट विजिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना खुद से। आगे बढ़ता है, स्मूथ मसल्स आर, बहुत बार होता है स्मूथ मसल कहते होते हैं, इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री मल्टी न्यूक्लियेट सिलेंड्रिकल, इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल स्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लियेट। पहले बार बताइए, इनवॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ मसल मतलब जो आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में इस तरह मिलते हैं, तो बताइए स्मूथ मसल कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं और नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, वेरी गुड। फ्यूजिफॉर्म माने टेपरिंग एंड वाले, टेपरिंग एंड वाले, टेपरिंग एंड होते हैं इनके इस तरह, ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11 बजे अनअकैडमी पे ही है, अनअकैडमी पे 11 बजे क्लास है। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेड विथ इट्स लोकेशन, लोकेशन से करेक्टली मैच कौन सा टिश्यू कर रहा है, ठीक है, टिश्यू लोकेशन दिया गया है, टिश्यू लोकेशन, ट्रांसिशनल टिप ऑफ नोज एपिथेलियम, क्या दिया है, क्यूबोडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, एरियर टिश्यू टेंडन, जल्दी बताओ, दिख गया आंसर?
नोज के टिप पे ट्रांसिशनल एपिथिलियम नहीं होता, ठीक है, क्यूबर्ड एपिथिलियम स्टमक में नहीं होता, स्टमक में आपका कॉलमन एपिथिलियम होता है स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर। स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन में ही होते हैं स्टमक में, जहाँ पे आपके इनवॉलेंट्री एक्शन कैरी आउट करते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, क्लियर, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग सही। आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद, मैग्निफिकेशन किससे कनेक्टेड नहीं होता, थोड़ा सा आपको घुसना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर। न्यूमेरिकल एपर्चर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, या आपका ट्यूब लेंथ, देखते कितने लोगों को आता है, ये आपका फिजिक्स में भी पूरी पॉसिबिलिटी है। याद रखना न्यूमेरिकल एपर्चर से कुछ लेना देना नहीं होता, न्यूमेरिकल एपर्चर बात आंसर है, देखो बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दी क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप पढ़ा ही नहीं है, माइक्रोस्कोप पढ़ा दूंगा अगर चाहिए हो, माइक्रोस्कोप पढ़ लेना व्हाट इज न्यूमेरिकल एपर्चर, ये आपका न्यूमेरिकल एपर्चर आपका मैग्निफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड नहीं होता, फोकल लेंथ करता है, दोनों का करता है, ठीक है, तो आपका मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है एम ओ इन टू एम ई, ठीक है, और ट्यूब लेंथ भी करती है, ट्यूब लेंथ दोनों को ऐड करके होता है, तो आपका न्यूमेरिकल एपर्चर ये आपका कैमरा में होता है, ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, ओमनी सेलुला ई सेलुला फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया है, जल्दी बताओ, जल्दी एकदम फास्ट आंसर कमेंट करना है, ठीक है, इतना टाइम नहीं, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करना है 90 क्वेश्चंस, एकदम सही आंसर दिया मैक्सिमम लोगों ने, क्या आंसर इसका आएगा, रुडोल्फ किरचॉफ, ईयर क्या था, कौन सा साल में था, 22nd 23rd का क्या है आपका बी, वेरी गुड, कौन से साल में था ये, ईयर क्या था 1855, सबको क्लियर है, क्या ईयर था याद है सबको, 1855 ईयर था इसका, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर, इट नीड्स मॉडिफिकेशन टू डिस्कवरी ऑफ सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी मींस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग बींग्स, एग्जाम्पल वायरसेस, डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल थ्योरी मींस दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर वेदर व्हिच वेदर और नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, जल्दी बताओ, आशीलाख महाजन करता हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ, 24th क्वेश्चन, एकदम सही, जल्दी बताओ क्या होगा, देखो वायरसेस के लिए सेल थ्योरी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती, वायरसेस के लिए सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप सही मान सकते हो, दो ऑप्शन आप लोग सही मान सकते हो, सेकेंड और थर्ड, लेकिन आपका ज्यादा करेक्ट थर्ड होगा, ज्यादा करेक्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड होगा, ठीक है, चलो आगे, अब फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, ये आपने कल भी देखा था, फॉस्फोग्लिसराइड किससे बना हुआ होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरफाइड टू ग्लिसरॉल टू व्हिच अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, a saturated unsaturated fatty acid esterified to a phosphate group which is also attached to a glycerol molecule, only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule with a phosphate group, only an unsaturated fatty acid, jaldi batao comment karo, jaldi batao 32nd question, 25th question, sorry aur sardi ho gaya isse dikkat ho raha hai, koi dikkat nahi, ekdam sahi, saturated ya unsaturated fatty acid esterified to a glycerol molecule, humne kal hi dekha tha kaise hota hai esterification, एस्टरीफिकेशन किस में किसके बीच में होता है, क्या एस्टरीफिकेशन फॉस्फेट के बीच में होता है, नहीं, इसका आंसर ए होगा, ए होगा, ठीक है, याद रखना एस्टरीफिकेशन कभी भी होता है अल्कोहल और एसिड के बीच में, तभी तो एस्टर बनेगा, अल्कोहल और एसिड के बीच में कभी भी एस्टरीफिकेशन होता है, तो खुद सोचो कल ही हमने देखा था इस तरह से कुछ था, ये आपका क्या है, इसका आंसर ए आएगा, ठीक है, ये क्या है आपका, जल्दी बताओ ये क्या है, क्या है ये आपका ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ हम लोग जब मिक्स करते हैं यहां से निकल जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2,
फैटी एसिड 3, तो तीन फैटी एसिड एक इथेनॉल बन के बनाता है ट्राइग्लिसराइड, और जब इस पे जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप से हम कहेंगे फॉस्फोग्लिसराइड। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज, यूरिडीन क्या होता है, यूरिडीन क्या होगा जल्दी बताओ। देखो अगर यूरिडाइलिक एसिड की बात करें, यूरिडाइलिक एसिड की बात करें तो वो हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। अगर यूरिडीन की बात करें तो वो हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा। यूरिडीन की बात करें न्यूक्लियोसाइड, यूरिडाइलिक एसिड की बात करें न्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, लिसिथीन अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पैल्मिटिक एसिड अनसैचुरेटेड विद 18 कार्बन एटम्स, एडेनिलिक एसिड एडेनोसाइन विद अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एलिनिन एमिनो एसिड कंटेंस एन एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सही। लिसिथीन आपका एक फॉस्फोग्लिसराइड है या फिर फॉस्फोलिपिड है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 27 का आंसर आपका है ए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस ऑफ सेल साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है जल्दी बताओ, करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है। पहले आपका क्या होता है, पहले आपका G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर M होता है। G1 होता है, S होता है, G2 होता है, M होता है, M होता है, G2 होता है, G1 होता है, G2 होता है, ये गलत। S के बाद G1 G2 गलत, G1 G2 S गलत, तो आंसर हो जाएगा आपका A। सबको क्लियर है, एकदम सही मिला। पैरामेंट कैसे में 16 कार्बन ही होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। आगे बढ़ते हैं, सेल ग्रोथ के दौरान DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है, बहुत इजी क्वेश्चन। उसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। क्या नाम है उस फेज का, क्या नाम है उस फेज का, एकदम सही, एस फेज हम उसे नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन फॉर विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। कभी कभी चेक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है कि एक बार खुद सोचो, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क को स्टॉल कर गया, स्टॉल कर गया मतलब क्रॉस कर गया, मतलब एस फेस को क्रॉस कर दिया है। अब आप बताओ कि कौन सा चेक पॉइंट यहाँ पे होगा, चेक पॉइंट कौन सा काम में आएगा जल्दी बताओ हर क्वेश्चन के लिए। एकदम सही, चेक पॉइंट दो होते हैं, चेक पॉइंट दो होते हैं, कौन से होते हैं, G1S चेक पॉइंट होता है एक, और एक चेक पॉइंट होता है आपका G2M। तो यहाँ पे G2M चेक पॉइंट काम करेगा, एक होता है मेजर एक होता है माइनर, ठीक है। चलो आगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने रखा है मतलब उससे डाइल्यूट है, ठीक है। प्लांट सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है मतलब ये उससे डाइल्यूट है। यहाँ पे वाटर ज्यादा है तो वाटर कहाँ पे मूव करेगा जल्दी बताओ। 31st क्वेश्चन एकदम सही, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब यहाँ पे वाटर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब वाटर ज्यादा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम इन लीटर। तो ये आपका जितना बढ़ेगा ये वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो यहाँ से आपका हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूशन है, आपके सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा, वाटर आपके सेल के अंदर एंटर करेगा क्योंकि सेल आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। याद रखना है चीज, वाटर का संख्या या मात्रा कम है। चलो आगे बढ़ते, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग सही है। थर्ड ऑप्शन इसका आएगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल क्या होता है जल्दी बताओ, कमेंट करो, आगे बढ़ो। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जो भी लोग नए आ रहे हैं सेशन को सब लोग लाइक कर देना, सेशन को सब लोग लाइक कर देना। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। टू सेल्स ए एंड बी आर कंटीजियस, सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, टर्मिनल प्रेशर 7 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर 3 atm, सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, टर्मिनल प्रेशर 3 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर 5 atm, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पे वाटर मूव करेगा। देखो वाटर आपका इतना याद कर लो कि यहाँ पे डीपीडी क्या है 3 atm, यहाँ पे
3 ATM, यहाँ पे कितना है बी में, 5 ATM, तो ATM, ठीक है। इतना याद रखना कि कभी भी वाटर लो डीपीडी से हाई डीपीडी तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। लो प्रेशर डिफ्यूजन डेफिसिट से आपका हाई डीपीडी, लो से हाई डीपीडी की तरफ आपका वाटर ट्रैवल करेगा, तो वाटर ट्रैवल करेगा ए से बी की तरफ, क्लियर। बाकी चीजों का कुछ यूज ही नहीं है, बाकी जो चीज है दी गई है जो उनका यूज इस चीज में नहीं है, ठीक है। चलो एकदम सही, फ्रॉम लो टू हाई डीपीडी, आगे बढ़ते हैं। विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में शायद आया था या फिर 2017 या फिर 6 में, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि रूट टिप के ग्रोथ के लिए क्या यूजफुल होता है। आपका आंसर इसका होगा कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तीनों के तीनों मैक्रो के न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लगने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जल्दी बताओ। इनमें कौन से नहीं है, मैंगनीज मैक्रो नहीं है, मॉलिब्डेनम मैक्रो नहीं है, मैग्नीशियम मैक्रो होता है, नाइट्रोजन मैक्रो होता है, निकल माइक्रो होता है, फॉस्फोरस मैक्रो होता है, बोरॉन आपका माइक्रो होता है, जिंक आपका माइक्रो होता है, और आपका मैंगनीज भी माइक्रो होता है, आयरन आपका दोनों के बीच में आता है, मैक्रो और माइक्रो के बीच में आता है, लेकिन अगर ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या मार्क करोगे इसमें आप? ये पहले नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तब बहुत लोगों ने गलत कर दिया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है तब बहुत लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि इसका गलत करने लायक था भी, क्योंकि ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या इसका एक भी ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? एक भी ऑप्शन सही दिख रहा है? कौन सा वाला, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? बी सही है, निकल। निकल क्या होता है, निकल न्यूट्रिएंट भी है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलो आगे, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, कौन से एलिमेंट होते हैं जो वाटर के स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं, इन शॉर्ट ये पूछा गया, कौन से एलिमेंट वाटर के स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं, देखते कितने लोग हैं। आंसर क्या आपका इसका, मैंगनीज एंड क्लोरीन। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ही नहीं, हमने देखा था ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होगा, एकदम सही क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्लोरोफिल होगा, नाम में ही पहचान होगी, क्लोरोबियम, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो आपका करेगा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेंट, स्ट्रोमा क्या कंटेंट करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोफिल, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम, मुझे लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन वाले एंजाइम, इन शॉर्ट ये पूछा गया। देखते हैं, मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं। आंसर क्या है आपका, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, एचडी से याद रखना है आपको, ठीक है, एसडी से याद रखना, एचडी कार्ड जो होता है उसे याद कर लो, कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटली इन डिस्कवरी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों किस चीज के लिए यूज किए गए थे, एमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप इफेक्ट। देखते हैं कितने लोग सही कर रहे हैं इसको। चलो 39 क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा इस केस में डी, टू इकोसिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस
सिक्स कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंजेस इन टू, छह कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली किसमें चेंज हो रहा होता है ग्लाइकोलिसिस के एंड में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो आपका थ्री कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो टू इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री आपका सिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज, फर्स्ट स्टेप क्या होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, क्या फर्मेंटेशन होता है, क्या क्रेब्स साइकिल होता है, क्या ग्लाइकोलिसिस होता है, या ईटीएस होता है। सबको होता है पहले हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं आपके किसमें, वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो ये तो हो गया इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, अभी किया था क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, चलो वेरी गुड, आंसर आपका आएगा पायरुविक एसिड। आगे बढ़ते हैं, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच ओपन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन, अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ शुगर केन, कौन होता है वो, कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा फाइटो हार्मोन होता है वो, जो आपका एक टर्पीन से डिराइव होता है, ये जो फाइटो हार्मोन है ये आपका टर्पीन से डिराइव होता है, किससे, टर्पीन्स। तो आंसर आएगा इसका आपका गिबरलिंस, जो गिबरलिक एसिड हम लोग स्प्रे करते हैं आपकी शुगर केन क्रॉप के ऊपर, तो उसका लेंथ बढ़ता है। Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? Inhibitory substance, not an inhibitory substance governing seed dormancy. जल्दी बताओ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलो मैक्सिमम लोग सही कर रहे हैं, क्या आंसर होगा इसका 44th क्वेश्चन का, खुद सोच लो, अभी देखा था हम इसको, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया गया, पहले ये एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ था, पहले आपका ये एनसीईआरटी के कहीं ना कहीं पीछे दिया हुआ था, अब ये न्यू एनसीईआरटी में आगे ऐड किया गया है। एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड इनहिबिटरी होते हैं, इनहिबिटरी गिबरलिक एसिड आपका नहीं होगा, आंसर आएगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएपल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग पाइनएपल प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द यील्ड, ये भी दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ सोचो। फ्लावरिंग में एक और हेल्प करता है क्या होता है आपका इथाइलिन, और ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों के अंदर पाइनएपल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों के अंदर आपका पाइनएपल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबको पता है ये, वेरी गुड। अ बेबी बॉय aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup, dentist observed that the boy had 20 teeth, which teeth were absent, dental formula kya hota hai ye pata kar lo pehle, dental formula kya hota hai bachcho ka 2102, to kaun se absent honge, कौन से एब्सेंट होंगे, एकदम सही आपके, ये होता है इंसिशर्स, ये होते हैं कनाइंस, ये होते हैं प्री मोलर्स और ये होते हैं मोलर्स, तो प्री मोलर उनमें एब्सेंट होंगे, ठीक है बच्चों के अंदर। आगे बढ़ते हैं, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबर कुन सीक्रेट एन एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम, ये याद रखना है एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम कौन सीक्रेट करता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 47 के लिए आंसर बताओ जल्दी से, कमेंट करो, एकदम सही, पैनेट सेल आपके एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम एंजाइम सीक्रेट करते हैं। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रीटिक जूस एंड बायकार्बोनेट, कौन सा हार्मोन आपका स्टिमुलेट करता है, ये दिया गया है आपका 11th के लास्ट चैप्टर में, 11th के लास्ट चैप्टर में ये मेंशनड है, 11th क्लास के लास्ट चैप्टर कौन सा 11th क्लास का आपका, 11th लास्ट चैप्टर आपका है
केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आपका चैप्टर है, कोलेसिस्टोकाइनिन CCK और आपका सिक्रेटिन, ये आपका गॉल ब्लैडर से आता है, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन आपका सिक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस बाइकार्बोनेट को। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है, खुद दिमाग लगाइए। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हुए या नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 3 तो नहीं है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होगा क्योंकि तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, और आपका कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा है मसल्स का, तो 1 और 2 आपका इसका सही ऑप्शन है, सबको क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रिजर्व वॉल्यूम इज 1200 ml, जल्दी बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, किसको ऐड करना होता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, गलत, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर है ये, वेरी गुड, ठीक है। तो ईआरवी प्लस टीवी करना है, ये आपको फालतू में दिया गया है, रेसिडुअल वॉल्यूम को फालतू में दिया गया है, तो ईआरवी कितना है 1000 है यहाँ पे, और आपका टाइडल कितना है 500 है, तो आपका आ जाएगा 1500 आंसर, क्या ये सही है, क्या ये सही है। श्रेया हिंदी मीडियम के लिए कुछ पेपर ट्राई कर रहा हूँ प्रोवाइड करने के लिए, मैं देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा कर रहा हूँ मैं काम, उस पर भी करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अभी देखा था हमने, एकदम सही, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो देखो कभी भी एयर जो है, कभी भी एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, तो इंस्पिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान हम लोग एयर को भर रहे हैं अंदर, मतलब आपका बाहर से एयर अंदर आ रहा है, मतलब बाहर हाई प्रेशर है और आपके इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लो प्रेशर है, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, क्लियर। चलो ठीक है, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कौन सा, हमने कल ही देखा था कि कौन सा होता है जो आपके क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आपका आंसर होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स माने प्लेटलेट्स, जो आपके मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट होते हैं। सीरम ब्लड से डिफर करता है इन लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या बताया था मैंने आपको, सीरम क्या होता है, सीरम इज ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, CF। चलो आगे बढ़ते हैं, एरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट सीन, कहाँ पे स्टार्ट होता है एरेथ्रोपोइसिस, मुझे बताइए कितने लोग 12th बोर्ड के, आज कितने लोग 12th बोर्ड के हैं जो बोर्ड देने वाले इस साल, इस साल बोर्ड के लिए कौन है, आंसर क्या जाएगा आपका, रेड बोन मैरो, एकदम सही, रिपीट है कल ही किया था ना सेशन, एकदम सही। यूरिकोटेलिक मोड किस में होता है, यूरिकोटेलिक मोड किस में होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, RBLI रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल्स इंसेक्ट में यूरिकोटेलिक होता है, मतलब यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन से सिंथेसाइज, ये कल के ही क्वेश्चन कुछ है, देखते कितने याद है, नीट देने वाले हैं 21 में, वेरी गुड, कल के क्वेश्चन कुछ याद है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे होता है और कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है और एलिमिनेट होता है आपका किडनी के थ्रू। प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट हमें क्या होता है ह्यूमंस में, यूरिया होता है, तो यूरिया आपका लीवर के अंदर बनता है यूरिया साइकिल के थ्रू और फिर आपका वो एलिमिनेट होता है किडनी के थ्रू। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यूरिक एसिड इनमें से किसने मिलता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इस पर पूरा चैप्टर है, इस पर पूरा चैप्टर है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को लाइक करके ही जाना। चलो ठीक है, आंसर आपका आएगा इसमें कॉकरोच, ऑल्सो कॉल्ड एज पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर, जल्दी बताओ 58 क्वेश्चन के लिए,
स्लाइडिंग फिलामेंट तेरे 50th क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका. एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रादर दे पास स्लाइड ईच अदर. शॉर्टन नहीं होते, पास करते. इससे क्या होता है, आई बैंड का जो साइज है वो घट जाता है, ए बैंड का साइज उतना ही रहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टिम्युलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट. कुछ सोचो कि आपका मोटर न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, न्यूरॉन आ रहा है, ठीक है, ये उसके ब्रांचेस है, ये पूरा उसका एक्सॉन था, अभी आ चुका है, अभी मोटर न्यूरॉन आपका मसल फाइबर से अटैच्ड होगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अटैच्ड है मसल फाइबर. तो इस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये लाइन है एनसीईआरटी में, इस जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरो न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को, नाम में ही पहचान है उसकी, न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. आगे बढ़ते हैं. द एज जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू. एज जोन किसके कारण होता है, सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन ए बैंड, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड, द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड. जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है, 60th क्वेश्चन, एकदम सही. सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन, क्या ये आंसर होगा, जल्दी बताओ. ए बैंड में तो होगा, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कितने लोगों को नहीं आती, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने लोगों को नहीं आता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने लोगों को नहीं आता है, ठीक है, इसका आंसर आंसर कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, जिनको आता है, मेरे को नहीं आता है भैया. देखो मैं बोल रहा हूँ आपको मिराज, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कवर, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी कुछ ही टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से एक्सटेंसिवली, ठीक है, नाम बता रहा हूँ मैं जो टॉपिक्स पढ़ने, देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, बना रहा हूँ मैं टेबल, ठीक है, आपको पढ़ना है आपकी कैपेसिटीज, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है, थोड़ी डिटेल में, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है. सेकेंड चीज जो आपको कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी, रिवाइज करना है थोड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये होता है रेस्पिरेटर कैपेसिटी. सेकेंड इसका आंसर तो ए है, कोई दिक्कत नहीं. सेकेंड आपका होता है क्या, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है. थर्ड आपका होता है, एक आपका एक्सक्रीशन में क्या, एक आपका होता है रास पाथवे, ठीक है, रास पाथवे होता है. एक और क्या होता है आपका इसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है. एक आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगा, ठीक है, आपका कार्डियक साइकिल होगा, ठीक है, और आपका हार्मोन एक्शन होगा. ये कुछ चीजें हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, इसको मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा एक साथ ही, मतलब एक दिन में दो तीन टॉपिक करके हम लोग रिवाइज कर लेंगे. यही आपको चीजें से सिर्फ जो आपको दिक्कत दे सकती है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मान के चलो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 कॉन्सेप्ट्स में से कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन कंपलसरी नीट में आने ही आने इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड. क्लियर, चलो आगे बढ़े. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इंड्यूस करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी थोड़ा जानना पड़ेगा. विराज करेंगे अनअकैडमी पे करवाएंगे आपको थोड़े ही दिन में, ठीक है. सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन करता है, करता है नहीं करता, डाइजेशन बढ़ाना होता है नहीं बढ़ाना होता, क्या होगा इसका आंसर, किसको याद है, बी होगा, वेरी गुड शेरलॉक होम्स, ठीक है, सिक्रेशन नहीं बढ़ाता है, ठीक है, डाइजेशन. कुछ सोचो, उसको बॉडी को तब चाहिए होता है पूरा आपका एनर्जी, क्योंकि सिंपैथेटिक में है, ठीक है, तो वो इन सारी फालतू कामों में एनर्जी, आप खुद देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सिंपैथेटिक मतलब क्या, इमरजेंसी वाले, सिंपैथेटिक माने क्या, इमरजेंसी वाले, सिंपैथेटिक माने इमरजेंसी हो गया, जब भी आपको डर लगा हो या आपको कोई इमरजेंसी लगी हो, ठीक है,
तो आप खुद सोचो क्या आपका मुंह तब गीला होता है या फिर ड्राई होता है, ठीक है, जो आपका माउथ है वो ड्राई होता है या फिर आपका वेट होता है उस दौरान, आपको प्यास लगती है या प्यास नहीं लगती है ये बताओ। प्यास लगती है क्योंकि आपका मुंह जो है पूरा ड्राई हो जाता है एकदम, आपको प्यास लगती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना कि सलाइवा जो है आपका कम सीक्रेट होगा इसलिए आपको प्यास लगेगी, तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट बीट जो है इंड्यूस होती है, इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं, वेगस नर्व कौन सा नर्व है ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ है लेकिन याद करना पड़ेगा अगर आपको नीट में आप एम कर रहे हो 360 मार्क्स पे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाता है। टारगेट आपका क्या है 360 मार्क्स, इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? एकदम सही हर्ष, 10th होती है वेगस नर्व। वेगस नर्व सबसे एक्सटेंसिव होती है, सबसे ज्यादा आपको यही पढ़नी होती है, ठीक है, वेगस नर्व। क्लियर, कैसे याद करें इसको, ट्रिक पता है आपको? ऑन ओकेशन ऑफ पार्टी देयर आर फेशियली अट्रैक्टिव गर्ल्स विजिटिंग अराउंड हिम, ये ट्रिक होती है, ठीक है। ऑन ओकेशन ऑफ पार्टी देयर आर फेशियली अट्रैक्टिव गर्ल्स विजिटिंग अराउंड हिम। आगे बढ़ते हैं, बाय विच नर्वस सिस्टम ऑफ व्हाट एंड ऑफ व्हाट टाइप ब्लड सप्लाई इज सप्लाइड, ब्लड इज सप्लाइड टू विसरल ऑर्गन्स, ब्लड विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई कैसे होता है? सिक्सटी आपका थर्ड क्वेश्चन है, एकदम सही, इसका आंसर आएगा आपका ए, बोथ SNS PNS इनवॉलेंट्री। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिम्युलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार कराया मैंने आपको क्लास में, बहुत बार कराया हुआ है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशनड है, आपको याद भी रखना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं जैसे कॉर्टिसोल हो गया आपका, ग्लूकोनियोजेनेसिस नया ग्लूकोज बनाने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैच करो इसको, मैच करो, कल ही आया था क्वेश्चन, जल्दी मैच करो। देखते कितने लोग सही कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। इंसुलिन से आपका हो गया क्या, इंसुलिन से क्या हो गया, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। थायरोक्सिन से आपका क्या हो गया, थायरोक्सिन से क्या हो गया आपका, गॉटर। कॉर्टिकॉइड से क्या हो गया आपका, एडिसन डिसीज। ग्रोथ हार्मोन से क्या हो गया, एक्रोमेगेली। कल ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा अलग था लेकिन टाइप यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जल्दी बताओ कौन सा होता है ओस्टियोपोरोसिस में। एक तो एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक तो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे आप अंदाज लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, ओस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, आपका बोन मास डिक्रीज हो रहा है, बोन मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ही होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इस्ट्रोजन तो काम करता ही करता है, ये तो क्लियर कट मेंशनड है। पैराथायरॉयड हार्मोन भी ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कहाँ पे दिया हुआ है, आप जाइए पैराथायरॉयड हार्मोन वाले में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लियर कट मिलेगा कि ये क्या करते हैं, ये हाइपर कैल्सेमिक होते हैं, हाइपर कैल्सेमिक होते हैं, तो ये ब्लड बोन से बोन को डिजोल्व कर देंगे और ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देंगे, समझो ये आपका बोन है, ठीक है, ये कोई आपका बोन है, तो ये बना हुआ किससे है, ये कैल्शियम से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये आपका कैल्शियम से बना हुआ है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन करता क्या है, ये बोन पे एक्ट करता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन करता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन सार्गासम कोनिडिया पेनिसिलियम ऑफसेट वाटर हाइसियन राइजोम बनाना, जल्दी बताओ। एकदम सही, बाइनरी फ्यूजन सार्गासम नहीं है, याद रखना बनाना में दो होते हैं, बनाना में दो होते हैं, दोनों सही होते हैं आंसर, ठीक है। ये गलत है, गलत है, बनाना में दो होंगे, जल्दी बताओ कौन से कौन से। कॉलिप्स हार्मोन एकदम सही अक्षत, राइजोम बनाना या फिर शक्कर भी होता है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, ये बहुत बार पूछते हैं, जिंजर के अंदर जल्दी बताओ, जिंजर के अंदर कैसे होगा, जो लोग भी नए आ रहे सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, जिंजर के अंदर कैसे होगा।
एकदम सही, जिंजर के अंदर आपका राइजोम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ऑनियन आपका बल्ब, जिंजर सकर, क्लैमाइडोमोनास कुनेडिया, ठीक है, ईस्ट जूस्पोर, जल्दी बताओ। एकदम सही आंसर है, ऑनियन आपका बल्ब होता है। व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन वैलिसनेरिया, कौन सा टाइप ऑफ आपका पॉल्यूशन टेक्स प्लेस करता है वैलिसनेरिया के अंदर, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ है। जल्दी करो, खत्म होने वाले क्वेश्चंस। एकदम सही, फीमेल फ्लावर्स आर कैरियड बाय वाटर, मेल फ्लावर्स आर कैरियड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल सरफेस ऑफ द वाटर, जल्दी बताओ क्या ये सही है। समर्स में तो नहीं होता है, इंसेक्ट विंड तो करते नहीं है। ठीक है, तो वैलिसनेरिया कैसा है, वाटर पॉलिनेटेड है, वैलिसनेरिया वाटर पॉलिनेटेड होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटनोगेमी प्रिवेंटेड, मैंने आपको बताया था डायोशियस के एग्जाम्पल है ये, डायोशियस के एग्जाम्पल क्या होता है, एकदम सही आपका पपाया एंड डेट पाम, पपाया एंड डेट पाम होता है। आगे बढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स को हम लोग किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये किस टेम्परेचर पे होगा क्रायो प्रिजर्वेशन, किस टेम्परेचर पे क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, लिक्विड N2 के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, लेडिक सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, ये तो गलत है यार, इंटेस्टिनल तो होते नहीं है, लेडिक सेल कहाँ पे मिलते हैं, टेस्टिस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल्स में होता है, ग्लुकागोन आपका कहाँ से आता है, पैंक्रियास से आता है, तो आंसर आएगा एंड्रोजन्स, एंड्रोजन एक बड़े ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स जिसका एक पार्ट होता है टेस्टेस्टेरोन, एंड्रोजन एक बड़ा ग्रुप है जिसका एक पार्ट टेस्टोस्टेरोन भी है। इफ फॉर सम रीजन द वासा एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, वासा एफरेंशिया किसको कनेक्ट करता है, इतना पता कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन है, खत्म होने वाले क्वेश्चन बने रहो। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका इसका, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन साइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, पर्पस सर्व इज फॉर, किस लिए होता है आपका बाहर ये सिचुएटेड, मेंटेनिंग टोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एकदम सही। ठीक है, यही से आपको आंसर मिल गया, कितना लो होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर, किसके लिए हम लोग लुक करते हैं, अगर हमें फीटल का सेक्स डिटरमाइन करना है जो इलीगल है, मैं फीटल का अगर सेक्स डिटरमाइन करना होता जो इलीगल है, लेकिन अगर किसी कारणवश करना पड़े तो हम लोग क्या देखेंगे, एकदम सही, हम लोग देखते हैं बार बॉडी, क्योंकि फीमेल्स में बार बॉडीज होती है, मेल में आपकी बार बॉडी नहीं होती, बार बॉडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, याद रखना बार बॉडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1, क्या होता है फॉर्मूला, मैंने बार बॉडी को पता करने का फॉर्मूला आपका होगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। तो मुझे बताइए ह्यूमन मेल के अंदर कितनी बार बॉडीज होंगी, ह्यूमन मेल के अंदर कितनी बार बॉडीज होंगी, जल्दी बताओ, ह्यूमन मेल के अंदर कितनी बार बॉडीज होंगी, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं मेल के अंदर, एक, तो 1 - 1 = 0, एकदम सही, नहीं होगी, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हॉर्मोन, जल्दी बताओ इनमें से कौन सा है जो हॉर्मोन का रोल इन्वॉल्व करता है, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड नहीं करता, गलत ऑप्शन है, गलत, लैक्टेशनल अमेनोरिया नहीं करेगा, बैरियर मेथड, लैक्टेशनल अमेनोरिया, पिल्स, बैरियर मेथड नहीं करेगा, सीयूटी करता है, पिल्स करता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रेप्ट, सब में आपका प्रोजेस्ट्रॉन या कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, चलो, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्रेन आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग कौन सा होता है ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग
लिपेस लूप इनेट होता है, मल्टीलोड 375 आपका कॉपर लीजिंग होता है, तो ये तो हो गया गलत। वॉल्ट्स तो आपका बैरियर मेथड है, LNG20 होता है, लेकिन ये भी आपका गलत क्योंकि वॉल्ट्स गलत है। मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टर आर्ट, ये भी गलत क्योंकि मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, आपको ढूंढना है हार्मोन रिलीजिंग। प्रोजेस्टर आर्ट है आपका और LNG20 है, दोनों एग्जाम्पल NCERT में है, प्रोजेस्टर आर्ट एंड LNG20। LNG20 फुल फॉर्म होता है लिवोनोजेस्ट्रॉल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, मेंडल ने इनमें से क्या यूज नहीं किया था? सीड का शेप यूज नहीं किया था, फ्लावर का पोजिशन यूज नहीं किया था, सीड का कलर यूज नहीं किया था, या फिर पॉड का लेंथ यूज नहीं किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉड का उसने लेंथ यूज नहीं किया था, सीड शेप यूज किया था राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर यूज किया था ग्रीन या येल्लो, फ्लावर पोजिशन यूज किया था एक्सियल या टर्मिनल। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए थे? जल्दी बताओ। जो भी लोग नए आए सेशन को लाइक करके ही सब लोग जाना, ठीक है? 7, एकदम सही, 7 किए थे चूज पेयर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज अ रिसेसिव फीचर, इनमें से कौन सा है जो आपका रिसेसिव फीचर होता है जो मेंडल ने स्टडी किया था गार्डन पी के? ठीक है, एक्सियल टर्मिनल फ्लावर में एक्सियल आपका डोमिनेंट होता है। ग्रीन सीड कलर, सीड कलर में क्या होता है? सीड कलर में ग्रीन ही डोमिनेंट होता है। पॉड कलर के अंदर येल्लो होता है डोमिनेंट, पॉड कलर के अंदर येल्लो डोमिनेंट होता है, ठीक है? तो ये आपका ग्रीन हो गया रेसेसिव, सही है। क्या ये सही लिखा है मैंने? यहां पे कंफ्यूजन लोगों को है, क्या ये सही लिखा है? जल्दी बताओ। एकदम सही, ठीक है। येलो डोमिनेंट होता है, येलो डोमिनेंट होता है सीड कलर के लिए, ठीक है, और ग्रीन जो है आपका रेसेसिव होता है सीड के कलर के लिए। ये याद ना, यहाँ पे आपको याद रखना है दोनों चीजें, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर, एकदम सही। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरा दिया जाए, पूरी कोशिश की जाएगी। याद रखना कि अगर सीड कलर की बात करें SC, तो आपका ग्रीन जो है रेसेसिव होगा, येलो डोमिनेंट। हम लोग लिखते कैसे हैं? हम लोग लिखते ऐसे है ना, वाई से लिखते हैं। हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सीड कलर हम लोग वाई से शो करते हैं, मतलब वाई ही आपका डोमिनेंट होगा, मतलब येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन सीड कलर आपका रिसेसिव होगा, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट होगा, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट होगा और आपका येलो पॉड कलर जो है रिसेसिव होगा। इसका आंसर आपका बी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी शरीर मेंटल ऑफ द रिसेसिव फीचर, आपस से वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी अर्चिन के डीएनए के अंदर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 17% जो है साइटोसाइन था, 17% क्या था? साइटोसाइन था, ठीक है। तो बाकी तीन बेस कितने होंगे? साइटोसाइन जितना होगा उतना ही क्या होगा? साइटोसाइन जितना होगा उतना ही आपका ग्वानिन होगा, ठीक है, मतलब 17% ग्वानिन होगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अगर 17% ग्वानिन है, 17% साइटोसाइन है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों मिला के आपके कितने हो जाएंगे? 17 + 17 = 34, और 100 - 34 कर दो तो ये आपको मिल जाएगा एडेनिन प्लस थाइमिन का परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 68% एडेनिन प्लस थाइमिन है, 68 नहीं सॉरी कितना 66%, क्लियर। और आपका फिर 33% 33% रिस्पेक्टिवली दोनों आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम When viewed under electron microscope, beads on string appearance कौन देता है? जो लोग लाइक करके आए सेशन में लाइक करके जाना, ठीक है, जल्दी बताओ। हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड करते आपको नीट के लिए, सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड और प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हो। न्यूक्लियोसोम, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा फॉलो नहीं करता, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपका HIV का वायरस करता है, जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, आपके होस्ट जो होस्ट होता है उसके मशीनरी को, DNA रेप्लिकेशन मशीनरी या फिर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को जब वो ओवरटेक करता है तब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से HIV वायरस।
द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स को लेकर कौन सा आपका इनकरेक्ट है? देवर जल्दी बताओ, कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, देखते कितने लोगों को पता है। प्रोटोबायोन्ट्स की बात कर रहे हैं, एकदम सही। दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, इसे हम कहते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। ये आपका इनकरेक्ट है, सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? अगर सेपरेट कर लेते तो पूरा आपका सेल या लाइफ बन जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, केमिकल इवोल्यूशन का कंसेप्ट किस पे बेस्ड होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाई कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल कंडीशन, या फिर आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स। इजी क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर आपका सी आएगा, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स वर नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ये एनसीटी में लाइन है, कौन सा मिलर एक्सपेरिमेंट में आपके अमीनो एसिड बना नहीं था? ये भी 88 था, ये भी 88 है, दो बार, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, कर लो। ठीक है, एकदम से डी, ग्लूटामिक एसिड में दिया हुआ है, एलनिन ग्लाइसिन वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एलनिन ग्लाइसिन एस्पार्टिक एसिड बने थे, ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म थे एलनिन था, ग्लाइसिन था, ये बने थे, एस्पार्टिक एसिड भी बना था लेकिन ग्लूटामिक एसिड उनमें नहीं बना था, ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, विजुअल फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट पाश्चर ने किया था, जल्दी बताओ। ये 90th क्वेश्चन, एकदम सही। मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट इन अ सील्ड वेसल, तो ये कहा गया कि डेड एंड डीकेइंग से आपका न्यू लाइफ नहीं बन रहा है, मतलब नॉन लिविंग से न्यू लाइफ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कहने के लिए इसको प्रूफ लिया गया था, ये लाइन दी गई है एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। क्लियर, इसका आंसर डी होगा, ये आपकी आंसर की नंबर वन है बाय अथर्वा अग्रवाल, आंसर की नंबर वन मैंने ये क्रिएट की है, ये आपकी आंसर की नंबर टू मैंने क्रिएट की है। क्लियर, और कुछ डाउट हो पूछ लो, कुछ डाउट है आपको, कुछ डाउट्स? पेपर खत्म हो चुका है, 11 बजे फिर से आना है आपके मॉक टेस्ट के लिए, जो आपका और एनसीईआरटी बेस्ड एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, 11 बजे आप बताओ, कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है, मिलते हैं आप कल के सेशन में, मतलब 11 बजे के सेशन में। ठीक है, 11 बजे मिलते हैं। एक्सपीरियंस को डिपेंड सक्षम डिपेंड करता है, ठीक है, आपका कितना प्रिपरेशन है, आपका क्या टारगेट है। ठीक है, पेपर आपका नीट जैसा ही था, वो भी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, चलो बाय 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 बाय। ठीक है, आप मिलते हैं कल, कल नहीं 11 बजे, हम लोग अभी एक एक टॉपिक लेंगे रोज, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ये आपके आंसर की थी, ठीक है, चलो हम लोग अभी जाते हैं, कुछ डाउट हुआ पूछ लेना, 11 बजे आपका क्लास भी है, तब भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।